नेशनल हेराल्ड मामले में सियासत गरमाती जा रही है। जिस तरह से नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आज सदन के बीच से बुला के ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ राजीव शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल के प्रभारी। सर, पूरे देश में प्रोटेस्ट आप लोगों ने कल के लिए तय किया था, आज जिस तरह से सेशन चल रहा था सदन के बीच से नेता विपक्ष को बुलाया, किस तरह से? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ हुआ है आज, क्योंकि जब सदन चलता खासतौर से नेता विपक्ष को भी सदस्य सदन के दौरान उसको निसमन किया जाता है। 11 बजे के पहले या 5 बजे के बाद उनको बुला सकते थे, लेकिन खड़गे जी को जिस तरह से बुलाया गया, उनका नोटिस लगा हुआ था और उन्हें जाना पड़ा, ये बड़ा प्रत्याशित था। उसके पहले कभी उसके कड़े सपनों में सभी ने सारे विपक्षी दल ने उसके हाथ से बहुत खुश बहुत गलत काम हो रहा है, इसको रोकना है। आपको लगता है कांग्रेस के नेताओं को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, हेराल्ड के दफ्तर को सील करके? सारे विपक्ष के नेताओं को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, सारे विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से भी हो सकता है हर तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कल 5 तारीख है, आप लोगों ने महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट करना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आवास की तरफ जाने की बात कही है, DCP जो दिल्ली है वो कह रहे हैं कि हमने परमिशन कैंसिल कर दी, अब क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो जो है संसद से निकलने के बाद सब लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च कर रहे हैं और अपना विरोध जाएंगे, वो कार्यक्रम कायम। राहुल गांधी ने आज कहा, मैं मोदी से डरता नहीं हूँ, चाहे जो भी करना हो कर ले। राहुल जी बराबर लगातार बोल रहे हैं। राजीव शुक्ला हिमाचल के प्रभारी, इनका कहना है कि जो कार्यक्रम है प्रोटेस्ट का 5 तारीख का, वो महंगाई को लेकर, वो आगे भी कांग्रेस पार्टी उसी कार्यक्रम के अनुसार आगे काम कर रही है। अजय दैनिक सवेरा। नेशनल हेराल्ड मामले में सियासत गरमाती जा रही है। जिस तरह से नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आज सदन के बीच से बुला के ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ राजीव शुक्ला जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल के प्रभारी। सर, पूरे देश में प्रोटेस्ट आप लोगों ने कल के लिए तय किया था, आज जिस तरह से सेशन चल रहा था सदन के बीच से नेता विपक्ष को बुलाया, किस तरह से? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ हुआ है आज, क्योंकि जब सदन चलता खासतौर से नेता विपक्ष को भी सदस्य सदन के दौरान उसको निसमन किया जाता है। 11 बजे के पहले या 5 बजे के बाद उनको बुला सकते थे, लेकिन खड़गे जी को जिस तरह बुलाया गया, उनका नोटिस लगा हुआ था और उन्हें जाना पड़ा, ये बड़ा प्रत्याशित था। उसके पहले कभी उसके कड़े सपनों में सभी ने सारे विपक्षी दल ने उसके हाथ से बहुत खुश बहुत गलत काम हो रहा है, इसको रोकना है। आपको लगता है कांग्रेस के नेताओं को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, हेराल्ड के दफ्तर को सील करके? सारे विपक्ष के नेताओं को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, सारे विपक्ष के नेताओं को जिस तरह से भी हो सकता है हर तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कल 5 तारीख है, आप लोगों ने महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट करना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आवास की तरफ जाने की बात कही है, DCP जो दिल्ली है वो कह रहे हैं कि हमने परमिशन कैंसिल कर दी, अब क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो जो है संसद से निकलने के बाद सब लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च कर रहे हैं और अपना विरोध जाएंगे, वो कार्यक्रम कायम। राहुल गांधी ने आज कहा, मैं मोदी से डरता नहीं हूँ, चाहे जो भी करना हो कर ले। राहुल जी बराबर लगातार बोल रहे हैं। राजीव शुक्ला हिमाचल के प्रभारी, इनका कहना है कि जो कार्यक्रम है प्रोटेस्ट का 5 तारीख का, वो महंगाई को लेकर, वो आगे भी कांग्रेस पार्टी उसी कार्यक्रम के अनुसार आगे काम कर रही है। अजय दैनिक सवेरा। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट, तो हड़े शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो, देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सकते ने, कर बैठे 11 मिनटा च 101% गारंटी नाल समाधान, वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, बरकत औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी चनबन, जादू टोना, मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तोड़वाना, स्वतंत्र दुश्मन तो छुटकारा सदा ले, रुस्से नु मनाना, प्यार मोहब्बत, बाबा यामीन बंगाली 96435-0321।